सर रोहित के घर से आज जो है किरण लौट के आ रहे, महिला विकास मंच की पूरी टीम गई थी और क्या कुछ हुआ है क्योंकि रात के 12 बजे ये लोग आज जो है वापस लौटी है पटना। हम बातचीत करेंगे कि वहां पे क्या कुछ हुआ क्योंकि रोशन रोहित जो है वो शिवनंदन सर के यहाँ गए थे और वहां FIR का भी धमकी दिया गया है महिला विकास मंच के टीम पे और किरण सिंह पे, ये दोनों लोगों पे अब FIR होगा, आप लोग जेल जाएंगे। क्या कुछ हुआ वहाँ, हम लोग क्या कुछ हुआ वो तो बात की बात है, आप मेरे लाइव पे जाइए और जाके देख लीजिएगा वहाँ पे क्या हुआ। बाकी कहीं ना कहीं हम लोग जान बचा के भागे हैं। अब हम वो क्या, हम लोग पहला हम लोग कहीं ना कहीं अटैक हम लोग पे वो हर बाइकर हर मतलब 10 रोशन रोही के छोटे भाई को आप लोग मार पीट के आई हैं तो आप दिखा दीजिए, आपके माध्यम से आप मारे हैं उनको, उनको घायल किए हैं, उनपे हमें जो भी जुल्म किए हैं वो हमको जुल्म का वो वीडियो ऑडियो अपना दिखा दे। आरोप प्रत्यारोप चलेगा ना तो बहुत लंबा है, महिला है ये लोग, जान बचा के भागे हैं भाई साहब, जान बचा के भागे हैं 5 महिला। हम लोग को वहाँ कैद कर लिया गया था, जब हम वहाँ चौराहे पे आए, जब हम वहाँ पे चौराहे पे आए तो हम अपने आप को लग रहा था कि अब हम पटना जाएंगे कि नहीं जाएंगे, हम क्योंकि हमको चोट लगा है। देखिए गाड़ी में पत्थर है, देखिए शीशा पर पत्थर चला है, हम किससे कहें, और जो आरोप लगा रहे हैं उनको जवाब देना होगा और हम जवाब दे रहे हैं। देखिए तो ये बड़ी खबर हमें दिखा रहा हूँ, देखिए यहाँ महिला विकास मंच के गाड़ी पे ये शीशा भी चला है, पत्थर चला है, तो आप लोग इतना बजान बचा डर के, डर के हम तो कांप रहे थे, हमारी महिला सब कुछ उधर लुक रही थी, कुछ उधर लुक रही थी, उन्होंने जो जुल्म किए हैं उनको अब हम क्या बताएं, वो अपने बचाव के लिए गलत गलत जवाब दे रहे हैं। मतलब आधे रास्ते तक हम लोगों का पीछा किया गया, हम लोग गाड़ी के जहां हम लोग चाय पीने के लिए गए डायरेक्ट फिर हम लोग गाड़ी में। अच्छा एक मिनट, चाय बोलिए, देखिए पीड़िता है क्या कुछ हुआ वहां पे, जान बचा के भाग है कि इसके ससुराल में क्या हुआ है। हां बहुत ज्यादा भैया, रोही के छोटे भाई को आप लोग मारी है, ए भाई पहले कैमरा से कैच करो, अभी जस्ट देखिए तो बीना जी है हमारे साथ बात करेंगे क्या हुआ है। यहाँ पत्थर चलाया गया है गाड़ी पे, हाँ। महिला लोग पूरी डर गई थी और देखिए दोनों तरफ का शीशा टूटा है, तो अब भाई जब केस होगा तो दोनों तरफ से होगा, या तो प्रेम से बात करोगे या शीशा। नहीं नहीं हम तो बिना जान बचा के भागे हैं, कसम से कह रहे हैं जान बचा के भागे हैं, कहीं ना कहीं मन में था मतलब लाख से नहीं होने, आप लोग घर में रखवाने नहीं, आप लोग मारपीट करने गई थी। अरे भाई तो ऐसा मीडिया में बाइट दे रहे हैं, नहीं वो अपना जान बचाने के लिए उन्होंने बाइट दिया है, हमारा लाइव देख लीजिए, लाइव देख के आप बताइए क्या घुस मिलाया सोशल मीडिया पे वायरल, आप लोग रखवाने के लिए मारपीट कर रहे हैं, उनका बेटा इनकी जैसी बहुत सारी महिलाओं को लेकर के आते थे, ये इनकी सासू माँ को करना है, हमारे साथ प्रशासन उनको अच्छा लगता था अपने बेटे से दूसरी लड़की को कपड़ा उतरवाने में, ऐसा इसीलिए तो वो कहीं तुम्हारी तरह हजार लड़की आती थी, क्यों आती थी, आप लोग घर को कुछ और बना के रखे हो क्या, मतलब रोशन रोही को तो आप गुलाम बना ली थी, उसका मोबाइल जो है चेक करती थी उसके साथ। देखिए हम गलत होंगे ना, हम गलत है ना, ये लोग तो गलत नहीं, इनके सामने आए उनको ऐसा, रोशन जी को लग रहा है कि खुशबू किरण सिंह का सपोर्ट किया जा रहा है, तो आप आइए, गलत हम होंगे तो ये लोग चार चप्पल मारेंगे करने की बात और वो गलत होंगे तो सोचिए कि उनको क्या किया जाए, हम तो मार खाने के लिए भी तैयार हैं, गलत होंगे तो। सर आप थाना जाइए और थाना हमको जब हम गए वहाँ उनके घर पे तो थाना हमारे साथ गई और उसके बाद थाना क्या किया कि थाना ने हम लोग को छोड़ दिया, जब हम लोग को लगा कि हम लोग मतलब वहाँ पे मतलब आप अपने आप को अकेला महसूस हो रहे हैं, फिर जाके अपनी उनको बोला फिर दोबारा दोबारा थाना जाकर और दोबारा प्रशासन हमको आके थाना कहाँ तक छोड़ा, कौन सा जगह था संकट मोचन तक थाना आके छोड़ा हमको, तब उनसे बोले कि आप लोग चले जाइए, मतलब बाल बाल आप लोग जान बचा कर रहे हैं, पुलिस को चाहे जो भी बोलिए, चाय पीने के लिए वहाँ पे फिर हम लोग चाय नहीं, पहली बात चाहे हम थाने को कुछ भी बोले, स्टार्टिंग में ये लूज किया गया, टाइम पास किया गया, पता नहीं पैसा लिया गया था, ये हम तो आरोप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, थोड़ा सा था कि उन लोग का सुस्तीपन था, लेकिन बाद में जब हम लोग वहाँ से आए उसके बाद बहुत सपोर्ट किया गया जो कि कोई थाना लास्ट में नहीं करता, हमें मेरे एक आवाज पे, हाँ वो फैमिली निकल गए लेकिन मेरे एक आवाज पे बहुत दूर तक वो पहुँचाने आए, स्पॉट गाड़ी दी तो सपोर्ट कर, नहीं वो अलग चीज है, लेकिन जो भी हम लोग को बाद में बहुत सपोर्ट किया गया और हम थाने वाले को कुछ नहीं बोलेंगे, बस इतना ही है कि ये पीड़िता जाए, ठीक
ठीक है, इसको इंसाफ दिलाया जाए। एक बात बताइए, आप लोग बार बार बोलते हैं कि फोन चेक करती थी, फोन चेक करती थी, हर पति पत्नी एक दूसरे के फोन चेक करते, ये तो गलत बात है ना। पत्नी कहाँ, अब तो शादी हुआ नहीं है। अरे तो जब साथ में रहे लिविंग रिलेशनशिप कर रहे हैं भैया। अच्छा दूसरा एक मिनट, देखिए वाइफ होती है उसी को अपने हस्बैंड पर अधिकार होता है। मैंने इन लोग का शादी पत्नी हुआ जिससे का अधिकार भी रखे हुए हैं क्या जी किसी को? हम लोग कहा रखेंगे? देखिए तो क्या कुछ हुआ वहाँ पे, आपको रखा जाएगा नहीं रखा जाएगा, क्योंकि बहुत सारे दर्शक जो है वो जानना चाहते हैं किरण सिंह के साथ क्या हो रहा है। उनकी मम्मी कह रही है, उनके पापा कह रहे, लड़का जो बोलेगा वही करेंगे। मतलब सब रोशन रोही पे ही डिपेंड है, और रोशन रोही जो है ये तो अब तय हो गया कि एफआईआर कर दी। उनके माँ बाप का जो बात बोला गया है कि लड़का बोलेगा, तो लड़का जब घर ले जाता था उस टाइम नहीं बुझाता था, अब तो कोर्ट तक मामला चला गया, आपको जेल जाना होगा। अब देखिए महिला मंच के तरफ से चले यही होगा, महिला मंच के तरफ से सिर्फ यही होगा कि उस लड़के को बुलाया जाएगा, और अगर जो इसका आरोप जो भी है वो अगर जो वो चाहते हैं कि इसे गलत साबित करें, तब वो आकर के गलत साबित करें और उसके बाद होगी ना, उसके बाद छोड़ दिया जाएगा, उसी वक्त छोड़ देंगे इस लड़की को। और हम लोग रोशन ने ये पापा से हम बात करके आए हैं कि अगर आप बोल दीजिएगा, पता चला कि लड़की गलत है, हम बोलेंगे अगर लड़की गलत होगी, अगर आप उसका वो सारा प्रमाण दे दीजिए, तो हम उसी वक्त लड़की को हम लोग छोड़ देंगे, आपका साथ दे देंगे। अच्छा एक बात और बोलेंगे रोशन बाबू, जो भी तुमको गाइडलाइन इस तरह का दे रहे हैं, ये मान के चलो वो तुम्हारे दोस्त नहीं दुश्मन है, हम फिर बोल रहे हैं मीडिया के थ्रू, जिस ट्रैक पे तुम जा रहे हो वो ट्रैक गलत है, बैठो मिलके बात करो, रायता मत फैलाओ, चीजों को सुधारो, रखना है तो रखो, सेटलमेंट करना है तो सेटलमेंट करो, नहीं करे तो नहीं करे तो मतलब वॉट नहीं करे, अगर नहीं आए आपके पास तो नहीं आए तो फिर सुनिए मैं बिना जी, वो कानूनी प्रक्रिया तो वो शुरू कर चुके हैं। नहीं 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 नहीं, वो तो नचनिया बोल रहे थे, नचनिया को क्यों नचा, वो तो नचनिया बोल रहे थे, सोशल मीडिया पे इंटरव्यू देते हुए हैं कि वकील साहब के साथ बैठे उसमें कह रहे हैं एफआईआर नहीं हुई। उनको मैं बता दूं, सोशल मीडिया और धरातल में बहुत फर्क होता है। सोशल मीडिया पे बोलने दीजिए जो बोल रहे हैं, धरातल पे जो होगा ना वो हम बोलेंगे, उनके बोलने से क्या होता है। अच्छा एक सवाल मैम, अगला स्टेप क्या होगा महिला विकास मंच का? 25 तारीख का इंतजार कर रहे हैं, थाना में होगा जो होगा, एफआईआर दर्ज होगा, इसके पहले वो सेटलमेंट कर लेंगे, हम श्योर है, क्योंकि आपको पता है कि अभी मैं पवन जी के केस में मुंबई जा रही हूँ पवन जी से मिलने, उतने बड़े पावर स्टार जो हमें अहमियत देते हैं उनके जूते के बराबर भी ये नहीं है, समझे ना, तो इसलिए उसको समझना पड़ेगा ये बात कि वो किससे बात कर रहा है, आरोप लगाएगा वो हम पे है एविडेंस, लेकिन आप लोग के खिलाफ तो बाइट दे रहे हैं, हम तो चुनौती दे रहे हैं उनको, आज नचनिया बोल रहे हैं, आज 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 खिलाड़िया बोल रहे हैं, आज उसको लड़की को आज बेइज्जती कर रहे हैं, एक दिन उनके साथ रंगलिया मना रहे थे, भैया कैसा चुनौती दे रहे हैं? हमको ये लगता है कि ये दोनों हो सकता है कल मिल जाएंगे, और हम लोग ऐसे ही कुत्ते बिल्ली के तरह लड़ते रह जाएंगे, ठीक है, हमें ऐसा लग रहा है क्योंकि लड़के के आवाजों में ऐसा लग रहा है कि वो लड़का नाराज है, उसे बहकाया जा रहा है, उसके दोस्त लोग ठीक है उसे बहकाया जा रहा है, ये दोनों मिल जाएंगे और हम लोग फिर ऐसे ही रह जाएंगे।